खुदा की कसम पाकिस्तान टीम को ना शर्म आनी चाहिए। टाइम एंड टाइम अगेन दे ऑलवेज डिसअपॉइंट अस, दे ब्रेक आवर मदरफकिंग हार्ट्स। आई स्वर टू गॉड, मेरा दिल चाहता है कि मैं क्रिकेट देखना ही छोड़ दूं, बल्कि इतनी दफ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम से इतना प्यार होता है कि बंदा कहता है नहीं यार देख लो यार मैच, सपोर्ट करो, कर लेंगे यार, अच्छी टीम है, ये है, फलाना धमाका है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द फक इज देयर प्रॉब्लम। दीज गाइस ऑलवेज डू दिस शिट टाइम एंड टाइम अगेन एंड दे ब्रेक आवर हार्ट्स एंड डिसअपॉइंट अस। ये टीम है, ये क्रिकेट है भाई, आप लोग घर वापस आ जाएं। आपसे बेहतर टीम तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान डिजर्व करता है कि वो टॉप फोर में हो, ठीक है? वो अच्छा खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग जो है ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने गए, आप खाना खाने गए, हंसी मजाक करने गए, आप लोगों में नहीं वो बात, आप छोड़ दें क्रिकेट खेलना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के 3 इंपॉर्टेंट मैच हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने पूरी आवाम को डिसहार्ट किया और लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, इंक्लूडिंग फेमस सेलिब्रिटीज़ सब ही इनके हार जाने पर बुरी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक के पाकिस्तान के फेमस अदाकार भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार करते हुए वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कि वो कहते हैं पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्म ही नहीं किया बिल्कुल भी जिस तरह के एक वर्ल्ड कप टीम को करना चाहिए। वैसे तो हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन पाकिस्तानी टीम तो वर्ल्ड कप की तरह खेल ही नहीं रही और काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुना रहे हैं। इसी तरह अली अंसारी की वीडियो भी आप लोगों ने देखी, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे थे, उन्होंने भी ठीक ठाक बातें सुनाई पाकिस्तानी टीम को। तो फिर आप लोगों का क्या कहना है पाकिस्तान के ये 3 जो मैच वो हार चुके हैं लगातार, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह तमाम सोशल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।